तो देखिए यहाँ पर एक काउंटर भी लगाया गया, रजिस्ट्रेशन काउंटर, 30 मिनट में जादू, ऐसा करके यहाँ पर एक बैनर जो है मठिया बाबा के धाम यानी भवनाथपुर में लगाया गया है, यानी कि 30 मिनट के अंदर कम्बल वाले बाबा का जादू दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन कम्बल वाले बाबा का जादू कितना चल रहा है यह वीडियो में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कम्बल वाले बाबा का 30 मिनट में जादू। लोग परेशान होते हैं, देखिए आप इवन मेरे जितने भी लोग हैं मेरे अगल बगल के, जब उनसे आप बात करेंगे कि लोग क्या कहता है, तो आलोक यही कहता है कि भाई ये मेरी किस्मत थी, जो होना था हो गया, अच्छे डॉक्टर के सानिध्य में मैं गया, मेरा इलाज नहीं कर पाए, तो फिर मैं मतलब ऐसे क्या क्या हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है। पूर्वांचल के भगवान माने जाते हैं, डेढ़ साल और अपने लड़के को नहीं बचा पाए, डेढ़ साल में उनका इलाज करवाया। अब उनको कहिए कि वो है ये नहीं है डॉक्टर, डेढ़ मेरे लिए तो नहीं है, मैंने डेढ़ साल जाते हैं कि नहीं जाते, हाँ वही तो मैं कहा किसी को हुआ किसी को नहीं, आने इतने लोग क्यों आते हैं हम ये नहीं समझ, नहीं डॉक्टर को मैं नहीं कह सकता, उसको नहीं कह सकते भाई, भाई मतलब किसी को यहाँ ये लीला में नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, उसको नहीं कह सकते, यहाँ पे नहीं हुए तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एक दवाई एक व्यक्ति को नहीं है, तो वही चीज है यहाँ पर भी, वही चीज हो सकता है, वहाँ पे कुछ लोगों से पूछा है हम जो है कि ठीक है कि हम 85% लोग मिले जो आज से रुके हुए हैं, कुछ लोग चेन्नई से आए हैं, कुछ लोग चंडीगढ़ से आए हैं, तो वही तो क्यों आए, वही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मुझे 85% लोग मिले हैं, 1-2% की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 85% की बात कर रहा हूँ, हम लोग भी 4 दिन से यहाँ पे हैं, यहाँ के कार्यकर्ता है, लेकिन जो भी लोग आप होंगे सर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ कि आप गलत हो, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, तो आप तो विवेक शर्मा को ब्लेम कर सकते हैं कि गलत है, आप तो कर सकते हैं क्योंकि ठीक नहीं हुए, कर सकते हैं लेकिन मेडिकल साइंस में एक होता है ना कि अगर आपकी दवाई मतलब प्रत्येक व्यक्ति नहीं हर व्यक्ति को हर एक ही दवाई नहीं इनको तो किसी को किसी पे विश्वास नहीं होना चाहिए। विवेक शर्मा को भी दिखा लिए आप, जैसे हमारी आपकी तर्क हो रही है, आपने विवेक शर्मा को भी दिखा लिया, आप हनुमान जी के मंदिर को भी दिखा लिया, आपने भगवान को भी मना लिया होगा, तो आपको तो भगवान पे भी विश्वास नहीं होगा और विवेक शर्मा पे भी विश्वास नहीं है, किसी डॉक्टर पे भी विश्वास नहीं है, भगवान पे ऑलरेडी विश्वास है क्योंकि मैं हूँ, मैं भगवान में भी तो भगवान है, मनाए होंगे कि ठीक हो जाए, मैं ईश्वर की वजह से हूँ, चमत्कार की वजह से नहीं, चमत्कार की वजह से नहीं पैदा आप माता पिता के उससे, माता पिता से हो सकते हैं, हवा में नहीं पैदा होगा, कम्बल वाला घर से नहीं पैदा, यही तर्क है आपका, बिल्कुल यही तर्क इनको पता, और आप मध्य प्रदेश, वो चंडीगढ़ से कोई आता था आप बताइए कि आप मध्य प्रदेश तक गए, अगर दूर से आने वाला सही होता तो आप यहाँ चंडीगढ़ जाइएगा तब सही होगा, इनके दूर जाएंगे तो आप झूठे नजदीक चले आए, ठीक है वही 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 नजदीक वाला।